राजनीतिक दबाव के चलते नवनिर्वाचित सरपंचों को सचिव नहीं मिल पा रहे हैं और ना ही खातों का सही संचालन हो पा रहा, जिसके चलते विकास कार्य अवरुद्ध है। ऐसे पूरे जिले में कई मामले सामने आ चुके हैं। ताजा मामला रीवा जनपद पंचायत के नैकिन का है, जहां की महिला सरपंच ने सचिव पाने के लिए अधिकारियों के दरवाजों के चक्कर लगा रही है। इतना ही नहीं, महिला पहले इस्तीफा भी दे चुकी थी, लेकिन उसका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। गत दिवस महिला ने एक वीडियो बनाकर वायरल किया, जिसमें वह पुनः इस्तीफा देने की बात करते हुए दलित वर्ग होने के चलते परेशान किए जाने का आरोप लगा रही है। महिला के आरोप के बाद मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से सचिव की पद स्थापना की है। आइए सुनाते हैं महिला सरपंच ने क्या कहा था, जिसके बाद पंचायत सचिव की नियुक्ति की गई है। मैं ग्राम पंचायत नैकिन की नव निर्वाचित सरपंच हूँ। तो मेरा नाम दीपा केवट है। मैं ग्राम पंचायत नैकिन की नव निर्वाचित सरपंच हूँ। मैंने कई बार अर्जी भेजी है जिला सीओ को, कमिश्नर को, कलेक्टर को, मेरी अर्जी कोई सुनवाई नहीं हुई है। प्रति श्रीमान कलेक्टर महोदय, श्री मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद जिला पंचायत रीवा, जनपद पंचायत रीवा, कमिश्नर विभाग, कमिश्नर अधिकारी महोदय जी, बिसाए 26 जनवरी 2023 को ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक करने के लिए सचिव की नियुक्ति किए जाने के संबंध में संदर्भ सचिव नियुक्ति हेतु मेरे आवेदन दिनांक 09/9/22/18/10/22/7/11/22/15/12/22/20/12/22 महोदय और 17/1/2023 महोदय विषय या अंतर्गत कृपया मेरा द्वारा सचिव नियुक्ति हेतु प्रस्तुत आवेदनों का अवलोकन करने कष्ट करें। जुलाई 2022 में मैं विधिवत नव निर्वाचित सरपंच घोषित की गई थी। तब से लेकर अब तक सचिव की नियुक्ति हेतु आपसे मिलकर आवेदन प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं पिछड़ा वर्ग की गरीब महिला सरपंच हूँ। मेरे पास कोई सिफारिश नहीं है, कोई नेता नहीं है, केवल आपका ही सहारा था कि आप हमारे साथ न्याय करेंगे व सचिव की नियुक्ति करवा देंगे, किंतु आप भी सक्षम नहीं निकले। सचिव नियुक्ति न होने के कारण आज तक ग्राम पंचायत में कोई कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, ना आगे होगा। ना तो ग्राम पंचायत की बैठक व ग्राम सभा की बैठक न हुई न होगी। मैंने बीच में आपको इस्तीफा भी सौंपा तो आपने मेरा इस्तीफा भी स्वीकार नहीं किया। पंचायत भवन में जाती हूँ तो मुझे दबंगों द्वारा अपमानित कर भगा दिया जाता है। अतः आपसे अनुरोध है कि सचिव की नियुक्ति करते हुए मेरे व मेरे परिवार की जान माल की रक्षा सुनिश्चित कराने के साथ उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें, और यदि आप सचिव नहीं दे सकते तो मुझ पिछड़ा वर्ग महिला सरपंच का इस्तीफा स्वीकार करें। यह पत्र मैं माननीय पिछड़ा वर्ग श्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को भी भेज रही हूँ, ताकि वो समझ सकें कि उनके बनाए सरपंच को कलेक्टर रीवा सचिव नहीं दे सके आज तक। मैं दीपा केवट, नैकिन सरपंच।